2005 में जब मैं 18 साल का हुआ तब मुझे मेरी पहली कार मिली, मारुति सुजुकी 1000। एक सैटरडे आफ्टरनून में जब मेरे फ्रेंड एलेक्स ने मुझे इनवाइट किया उसके दोस्त के घर पे एक पार्टी के लिए, तब मुझे पता था मैं कंडीशन में नहीं रहूंगा वापस कार ड्राइव करने की आफ्टर पार्टी, तो इसीलिए हमने कार पुलिंग की एलेक्स की गर्लफ्रेंड रिहाना के साथ। हमारा घर एक रूरल एरिया में था जहाँ पे पार्टीज तो ज्यादा होती नहीं थी, और ये जो पार्टी हो रही थी वो एक अर्बन एरिया में थी, टाउन में। तो जब भी कभी ऐसी पार्टी होती थी तो सब लोग ही जाते थे। जिसके घर पे पार्टी हो रही थी उसका घर हमारे एरिया से कुछ 10 या 15 मिनट की दूरी पे था विद कार। मैं उस लड़के को जानता तो था लेकिन हम दोस्त नहीं थे। उसके घर तक पहुंचने के लिए टू वे हाईवे लेना पड़ता था और अड़ोस पड़ोस में झाड़ियां ही रहती थी, और उन झाड़ियों के बीच में एक दो घर। वो एक काफी एम्प्टी हाईवे था, उसका घर काफी टाइनी था लाइक अदर हाउसेस अराउंड एरिया, लेकिन पार्टी घर के बाहर ही हो रही थी क्योंकि उसके अड़ोस पड़ोस में ज्यादा घर नहीं थे, तो साउंड वॉज नॉट एन इशू। हमें पार्टी में आके कुछ 2-3 घंटे ही हुए थे और हमारी डेसिग्नेटेड ड्राइवर रेहाना, उसको फैमिली इमरजेंसी के चलते हुए पार्टी को बीच में छोड़ना पड़ा। एलेक्स ने कहा दैट्स फाइन, हम लोग कोई और राइड लेके घर आ जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड अनदर फ्यू हार्स एंड फ्यू मोर ड्रिंक्स, मैं उस पार्टी में हार्डली चल सकता था, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। मैंने अपना वॉच चेक किया, इट शोड 2 AM इन द मॉर्निंग। मुझे लगा अब हमें निकलना चाहिए। मैंने एलेक्स को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे कहीं नहीं पाया। इनफैक्ट मैं जिन लोगों को जानता था उनमें से कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, शायद वो सभी लोग पार्टी से चले गए थे। मैं लिटरली स्ट्रेट सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि एलेक्स मुझे उस पार्टी में अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है। मैंने पार्टी होस्ट से बात की और पूछा फोन कहाँ पे है, और मैंने एलेक्स के घर पे फोन लगाया। कुछ 2-3 ट्राई के बाद मैंने सोचा कि एलेक्स के घर वाले जाग जाएंगे, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। तो लिटरली नॉट नोइंग व्हाट टू डू मैं रास्ते पे आया और चलने लग गया अपनी घर की तरफ। मैं काफी डीजी था, मुझे पता था जैसे मैं चल रहा था उस हिसाब से मुझे आधे से एक घंटा लग जाएगा मुझे अपने घर तक पहुंचने के लिए। शायद कुछ 15 मिनट चलने के बाद मेरे पीछे से एक मुझे लाइट दिखाई दी, जो कि कार की लाइट थी, जो कि दूर से फेड होते हुए पास आ रही थी। मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, मेरा दिल बहुत ही ज्यादा उछलने लगा। मैंने उस कार से लिफ्ट मांगी, कार मेरे पास आते हुए स्लो हो गई और मेरे सामने आके रुकी। वो ड्राइवर जो टोयोटा 800 चला रहा था उसने अपनी खिड़की नीचे की और पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे डीजी नशे की हालत में कहा मेरा घर यहाँ से सीधे हाईवे पे ही है, एक राइट टर्न पे। वो हंसा और उसने कहा गाड़ी के अंदर आने। मैंने उसे थैंक्स कहा और काफी खुशी से गाड़ी के अंदर चला गया। मैं काफी एग्जॉस्टेड था, मुझे याद भी नहीं वो आदमी मुझे क्या क्या सवाल पूछ रहा था। मुझे लग रहा था उस कार में मैं सो जाऊंगा, और वही हुआ। अगली चीज जो मुझे याद है वो है कि मैं उस कार में ही उठा और वो कार अभी भी चल रही थी। मैं काफी शॉक हुआ, वो आदमी ने मेरी तरफ देखा और हंसा और उसने और कुछ नहीं कहा। मैंने कार से बाहर इधर उधर देखा, मैंने नोटिस किया कि ये फेमिलियर रोड नहीं है। मैंने उसे नर्वसली पूछा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर तभी उसने मुझे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे। मेरे सीधे सिंपल क्वेश्चन का उस आदमी ने एक इरिलेवेंट क्वेश्चन के साथ आंसर दिया। ये सुनते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक डेंजर सिचुएशन में हूँ। तुम मुझे यहीं पे ही छोड़ दो, मैंने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने रिस्पॉन्ड किया विद अ फर्म नो। ये सुनते ही मुझे उल्टी करने का मन किया, नहीं सच्ची मुझे उल्टी आ रही थी। आई वॉज फीलिंग लाइक प्यूकिंग, आई स्टार्टेड टू गैग, मुझे बहुत ही ज्यादा उल्टी वाली फीलिंग आने लगी थी। उस आदमी ने रास्ते से नजर हटाई और मेरी तरफ देखा, तभी मुझे लगा ये सही मौका होगा उस आदमी के ऊपर उल्टी करने की एक्टिंग करने का और कार से बाहर निकल जाने का, तो इसीलिए मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया। लेकिन मुझे सच्ची में उल्टी आ रही थी, इसीलिए मैंने उस पे उल्टी कर ही दी। मैं जब उल्टी करने वाला था तब उस आदमी ने गाड़ी स्लो डाउन की, और जब मैंने उल्टी कर दी तब उस आदमी ने उस गाड़ी को रोक दिया और इरिटेट हो गया, और तभी मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और गाड़ी से बाहर निकल के भागने लगा। ऐसे लग रहा था कि मैं अपने लाइफ के लिए भाग रहा हूँ, आई वॉज रनिंग फॉर माई लाइफ। मैं भागते हुए बुशेज के पीछे जाके छुप गया। वो आदमी भी फ्लैशलाइट के साथ मेरे पीछे पीछे आया, उसने शायद मेरी दिशा में 2 बार फ्लैशलाइट घुमाई लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया। इवेंचुअली मैंने उसकी फुटस्टेप्स मेरे से आगे पास्ट होते हुए सुनी, तब मुझे पता चला कि वो आगे की तरफ जा चुका है। तभी मैं भागते हुए उसकी कार की तरफ पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली ही वाज स्मार्ट इनफ टू लॉक इट, लेकिन बाय मिरेकल मुझे एक और कार दिखी जो मेरी तरफ आ रही थी। उस कार को मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो कार मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया और मैंने उस कार को रोक दिया। मैंने उस कार की तरफ चिल्लाते हुए कहा कि मुझे किडनैप किया गया है, जो वो गाड़ी चला रहा है उस आदमी ने मुझे किडनैप किया है और वो झाड़ियों में चला गया है मुझे खोजने के लिए। ये सुनते ही कार ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट देने के लिए मान लिया, उसने मुझे पुलिस स्टेशन ना छोड़ते हुए सीधे मेरे घर पे लाके छोड़ा। उस कार ड्राइवर ने मुझे सेफली अपने घर पहुंचाया, मैंने उसे अपने तहे दिल से थैंक्स कहा। मैं घर पहुंचते ही सीधे मैंने अपने पेरेंट्स को उठाया और जो कुछ भी हुआ वो उन्हें एक्सप्लेन किया।
डैड जानना चाहते थे कि मैंने उसका कार प्लेट नंबर नोट किया और तभी मुझे ऐसे लगा मुझे अपने आप को एक फेस में पंच मारना चाहिए। आई फेल टू गेट द नंबर। अगर वो नंबर मैंने नोट कर लिया होता तो मैं उस कार ड्राइवर को रिपोर्ट कर सकता था। मुझे बस इतना मालूम था कि वो एक टोयोटा 800 चला रहा था जो कि ब्लू और ब्लैक कलर की थी। मैंने मेक श्योर किया कि मैं एलेक्स के ऊपर अपना पूरा गुस्सा उतारूं और जब भी मैं उसके साथ कॉलेज में रहा मैं उस ग्रज के साथ रहा कि उसने मुझे उस पार्टी में अबेंडन किया और वो वहां से मुझे अकेला छोड़ के निकल गया। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बाजू में पड़ा हुआ घंटा भी जरूर दबा देना। और अगर आप इस चैनल के अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मेरे पंटर लोग को अपने इस चैनल के 80,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं तो इसके लिए यार थैंक यू यार। तुम लोग नहीं होते तो आई शपथ मैं नहीं होता यार। तुम लोग हो तो मैं हूँ। थैंक यू यार, तुम लोग के वजह से ही तो ये चैनल चल रहा है। तो थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मेरी वीडियो जरूर देखते रहना। अभी तुम लोग बोलोगे कि यार तू इतना स्लो क्यों अटक अटक के बात कर रहा है, क्योंकि तुम लोग ही तो बोलते हो कि तू स्लो बोला कर, स्लो बोला कर, स्लो बोला कर यार। इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ यार। मतलब फास्ट बोलूंगा तो बोलते हो कि स्लो बोला कर, स्लो बोलूंगा तो बोलते हो कि फास्ट बोला कर। क्या चल क्या रहा है यार तुम लोग का। एनीवेज, इस बार का वर्ड है गणपति। गणपति ये वर्ड लेके आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो मैं मेरी अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दे दूंगा। पिछली बार सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे स्पाइडरमैन और अनिकेत मास्टर्स ने। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूं। और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूं। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।